राहुल गांधी बिना नाम लिए पीएम मोदी से बोले, मैं किसी से डरता नहीं, मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। मुझे मारो, पीटो या जेल में डालो, मैं बोलना बंद नहीं करूंगा, राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मोदी अडानी के रिश्ते पुराने हैं, मैं देश हित में सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। राहुल गांधी को महाराष्ट्र की सड़कों पर लोग घूमने नहीं देंगे, महाराष्ट्र की जनता को सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं, सदन में एकनाथ शिंदे के बयान से मचा हड़कंप। राहुल गांधी की सांसदी जाने से कांग्रेस आक्रामक, देश भर में आंदोलन करने का किया ऐलान। ओबीसी के अपमान को लेकर सवाल पूछने पर राहुल गांधी हुए चुप, पत्रकार को कहा भाजपा का झंडा लेकर बैठो। तेजस्वी यादव से सीबीआई ने और मीशा भारती से ईडी ने की पूछताछ, करीब 7 घंटे तक चली पूछताछ, जमीन के बदले नौकरी मामले से जुड़ी मामले में जांच एजेंसियां कर रही है जांच पड़ताल। कर्नाटक में पीएम मोदी की सुरक्षा में फिर हुई चूक, प्रधानमंत्री की तरफ दौड़ता आया युवक पुलिस ने पकड़ा, पीएम के रोड शो के दौरान युवक काफिले में घुसने की कर रहा था कोशिश। सीबीआई ने आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से की पूछताछ, सीबीआई पूछताछ के बाद बोले तेजस्वी यादव, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। उत्तर प्रदेश के बांदा में शराबी बंदर का आतंक, ये बंदर लोगों से शराब की बोतल छीनकर भाग जाता है और फिर पीकर मचाता है उत्पात। राहुल गांधी ने कहा, मेरे बारे में संसद में झूठ बोला गया, मैं अपनी बात रखी तो जवाब नहीं आया। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले आज तक ऐसा कम पढ़ा लिखा पीएम नहीं हुआ जिसका अहंकार सातवें आसमान पर रहता। पीएम मोदी का आज वाराणसी दौरा, अपने संसदीय क्षेत्र को रोपवे सहित 1780 करोड़ की योजनाओं का दिया तोहफा। सीएम योगी आदित्यनाथ का तीखा हमला, कहा कुछ लोग विदेश में लोकतंत्र पर सवाल उठाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। केरला में राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए कांग्रेस के कार्यकर्ता। देश में कोरोना हो रहा है आउट ऑफ कंट्रोल, बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1590 नए केस। भारतीय बॉक्सर नीतू घांगस ने रचा इतिहास, मंगोलिया की पहलवान को हराकर वर्नी वर्ल्ड चैंपियन। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर चौंकाने वाला सर्वे, यूपी की 80 लोकसभा सीट में बीजेपी प्लस को 63%, सपा प्लस को 19%, बीजेपी को 11% और कांग्रेस को मात्र 4%। उत्तर प्रदेश के प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कैंपस में छात्रों ने पढ़ी नवाज, विरोध पर उतरे हिंदू संगठन, छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की कर रहे मांग। अमृतपाल सिंह से जुड़ी बड़ी खबर आई सामने, 23 मार्च को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में था अमृतपाल। मुंबई से सटे कल्याण के में एक गड्ढे में गिरने से 12 वर्षीय स्कूली छात्र की हुई दर्दनाक मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए बच्चे को पानी से बाहर निकाला गया। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्ताव पास, डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र की तरफ से पहले ही लगाई गई थी पाबंदी। सोनू निगम के पिता के घर चोरी करने वाला हुआ गिरफ्तार, मुंबई पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, 70 लाख रुपए हुए बरामद। भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने एरिक गॉर्सेटी, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दिलाई शपथ। देवरिया में ईंट भट्टे की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की दबकर हुई मौत, आधा दर्जन मजदूर गंभीर रूप से घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी।